दुर्ग के कारोबारी व होटल सागर इंटरनेशनल के मालिक विजय अग्रवाल और उनकी पुत्री रूही अग्रवाल के खिलाफ कोर्ट द्वारा धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने कारोबारी विजय अग्रवाल व उनकी पुत्री रूही अग्रवाल को 20 मई तक कोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश भी दिया है। कोर्ट से आदेश के बाद इन दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल विजय अग्रवाल ने अपनी पुत्री रूही अग्रवाल के पति निमिष अग्रवाल और ससुराल वालों के खिलाफ पुत्री को प्रताड़ित किए जाने और दहेज मांगे जाने को लेकर सुपेला थाने में मामला दर्ज कराया था। इसके बाद दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था। राजीनामा के तहत विजय अग्रवाल और रूही अग्रवाल ने 3.5 करोड़ रुपए लेकर समझौता करने का इकरारनामा भी किया था, लेकिन जब केस वापस लेने की बात आई तो विजय अग्रवाल और उनकी पुत्री ने केस वापस लेने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद सुनील अग्रवाल और उनके पुत्र ने इकरारनामे और दी गई रकम के दस्तावेजों को कोर्ट में पेश कर मानसिक प्रताड़ना और छल पूर्वक रकम वसूलने पर विजय अग्रवाल और उनकी पुत्री रूही अग्रवाल के खिलाफ अपराध दर्ज कराया और अपील की थी। मेरे पक्षकार हैं निमिष अग्रवाल और सुनील अग्रवाल, उन लोगों के विरुद्ध में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था पूर्व में, ठीक, थाना सुपेला में। जब ये लोग जेल में थे उसी दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था दोनों पक्षों के मध्य पैसे के लेन देन को लेकर, कि 3.5 करोड़ रुपए लेन देन को लेकर कि आपस में सारे मामले सुलझ जाएंगे। पर उस एग्रीमेंट का सामने के जो पक्ष है विजय अग्रवाल जी, रूही अग्रवाल जी, इनके द्वारा पालन नहीं किया गया। तो हमने, मैं और मेरे साथी अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव, उन्होंने एक परिवाद पेश किया था जो कि मैडम अंकिता गुप्ता मैडम क्या था, जिसमें कोर्ट ने सारी चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए इस बात को स्वीकार किया है कि दोनों पक्षों के मध्य जो एग्रीमेंट हुआ था उसका पालन नहीं किया गया और शर्तों का उल्लंघन किया गया। इस बात को लेकर उन्होंने 420, 418 एवं अन्य धाराओं में विजय अग्रवाल और रूही अग्रवाल के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है और दिनांक 20/5/2022 को उनको न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।